हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं रिव्यू करूंगी फ्लॉलेस का ये आईब्रो शेपर ट्रिमर, जो भी आप बोल सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने फ्लॉलेस का एक फेशियल हेयर रिमूवर का रिव्यू डाला था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो मैंने सोचा इसकी भी एक रिव्यू किया जाए, शायद ये आपकी कोई काम आए। तो ये जो डिवाइस है स्पेशली फॉर आईब्रोज, आई मीन घर में आईब्रो को शेप देने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है कुछ इस तरह की बॉक्स में आते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो डिवाइस है फ्लॉलेस की, जो फेशियल हेयर रिमूवर है, उससे थोड़ी सी लंबी है। ओके, साइज में थोड़ी सी लंबी है एंड नैरो भी है। ये देखिए, दिस इज द डिवाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोडक्ट है ये यूएसबी चार्जिंग डिवाइस है। मतलब फ्लॉलेस की जो फेशियल हेयर रिमूवर मैंने आपको दिखाया था वो बैटरी ऑपरेटेड था, बट नहीं, ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। ये अलग से एक बैटरी ऑपरेटेड भी आपको मिल जाएंगे, बट मेरी जो प्रोडक्ट है ये यूएसबी से चार्ज होती है। एंड मुझे ये पसंद भी है क्योंकि बैटरी ना घर में हमेशा नहीं रहती है, एंड बैटरी अगर ख़त्म हो जाए एंड आपको ना मिले ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे यूएसबी ये चार्जर वाला डिवाइस ज़्यादा पसंद है क्योंकि चार्ज कर लिया एंड गुड टू यूज़। पैकेज के अंदर आपको मिल जाएंगे ये यूएसबी चार्जर, उसके साथ एक आपको ब्रश भी मिलेंगे इस प्रोडक्ट को साफ करने के लिए। ऑल्सो आपको मिलेंगे एक लीफलेट जिसमें आपको सारी डिटेल्स है कि इसे कैसे यूज करना है, चार्ज कैसे करना है, कैसे क्लीन करना है, एवरीथिंग आपको विथ इमेज यहाँ पर डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो इसे यूज करने से पहले ऑब्वियसली इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूज कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसे इस तरह से ओपन करना है। ये है इसकी स्विच एंड इट्स ऑन। ओके, इसकी आवाज कुछ इस तरह की है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एक लाइट है। तो लाइट का क्या काम है आपको बताई है, छोटी से छोटी हेयर को भी आप इस लाइट से देख के उसे यू नो रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी छोटा सा डेमो भी दिखाती हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो आईब्रोज है प्लक नहीं है, दोनों आईब्रोज ही यहाँ पर शेप नहीं है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इसे शेप करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करती है एंड घर में आप कितनी आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो हेयर थी रिमूव हो गई। ये देखिए, मेरी यहाँ पर जितनी भी हेयर थी रिमूव हो गई। एंड इसे कैसे यूज करना है, इसे जहां पर भी आप यूज करेंगे थोड़ी सी सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो एकदम पेनलेस मेथड है फ्रेंड्स, इंस्टेंटली आपकी आईब्रोज जो है शेप में आ जाएगी, छोटी से छोटी हेयर भी इससे बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगी एंड आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। अभी मैं पूरी आईब्रोज को शेप दे देती हूँ, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। एंड एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने इसे यूज कर लिया, मतलब मेरी आईब्रो को यहाँ पर शेप अच्छी तरह से दे दिया जितना मुझे चाहिए था। एंड आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, ये जो आईब्रोज है शेप नहीं है एंड ये परफेक्टली शेप्ड है जैसा मैं चाहती हूँ। तो आप फ्रेंड्स इसे यूज करके बहुत ही ईजिली घर में 1 से 2 मिनट में आपकी आईब्रोज को प्लक कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं आपकी मनपसंद। तो इससे आप सिर्फ आईब्रोज को नहीं, आपकी फेशियल हेयर को भी रिमूव कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आपकी जो अपर लिप की हेयर है या फिर चिन पे कुछ लोगों की हेयर्स होती है छोटी छोटी, तो उसे भी आप इसे बड़ी आसानी से आपकी फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है इसे क्लीन करना भी काफ़ी ईजी है। जो ब्रश दी गई है उससे आप इसे आसानी से क्लीन कर सकते हो। इसकी जो यहाँ पर जगह है इसे रोटेट करने से ये ओपन हो जाती है एंड वहाँ पर छोटी छोटी जो बाल जमा होती है उसे क्लीन करने के बाद आप अगेन इसे रीयूज कर सकते हो, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, आप इसे यूएसबी से चार्ज कर सकते हो। ये 2 से 3 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है एंड एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे कम से कम 5 से 6 बार यूज कर सकते हो। नॉट ओनली दैट फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है एंड ऑल्सो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। सो गाइज, ये प्रोडक्ट आई थिंक सबके पास होना चाहिए। इसे अगर आप बाय करना चाहते हो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसकी बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे बाय कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और वैसे वीडियोस के लिए। अगर आप भी कोई प्रोडक्ट की रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी रिव्यू करने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।